हम 15 तारीख से समाधि में बैठे हैं, 10 महीने से हमारे किसान साथी वहाँ बैठे हैं बॉर्डरों पर, लेकिन सरकार ने 11 बार की वार्ता करने के बाद कोई हल नहीं निकला है। तो हमने सरकार ने जब ये कहा कि हम संशोधन करना चाहते हैं, बिल तो वापस नहीं होंगे, तब हमने इस कानून पर अध्ययन करके उनमें संशोधन निकाले हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार आए, बात करे और संशोधन। तो सर संशोधन के लिए तो तैयार है ना सरकार? तो हम कहाँ मना कर रहे हैं, तैयार है तो आए। पर संयुक्त मोर्चा तो नहीं मान रहा ना इस बात को सर? हमारे संयुक्त मोर्चे से कोई मतलब नहीं है। यह संयुक्त मोर्चा ही इस हिंदुस्तान में किसानों का प्रतिनिधित्व करेगा क्या? हम भी तो अपनी और भी तो किसान हैं, हम उनसे अपनी बात कह रहे हैं। संयुक्त मोर्चे से भी कहेंगे कि भाई इन बातों में क्या कमी है बताइए और हल निकालिए कोई। लेकिन सर आपकी डिमांड तो पूरी कर रही है सरकार, फिर आपको तो खत्म कर देना चाहिए आंदोलन। अरे डिमांड उसने संशोधन की कह दी तो पूरी होगी क्या? कृषि मंत्री तो बार बार कह रहे हैं ना सर। जिसने संशोधन की कह दी वो बात क्या पूरी हो गई? संशोधन तो लेने ही पड़ेंगे ना, क्या संशोधन करेंगे वो तो बताने होंगे या नहीं बताने होंगे? सरकार तो कह रही है जो किसान कहेंगे जिनमें गलती है पॉइंटों में वो तैयार हम करने। तो वही बात कह रहे हैं हम, तो सरकार बात करे ना आके। भाई सर ये कह रही है, ये कह दे कोई किसी से दूध पी ले और दूध का गिलास दो मतना दूध पी लिया क्या? तो सर जो 11 दौर की वार्ता हुई थी उसमें आपका प्रतिनिधि गया या आप? हम कोई नहीं थे उसमें, हम उसमें नहीं थे। तो आपका कोई संगठन है या फिर वैसे ही किसान है आप लोग? क्या बिना संगठन के नहीं बैठ सकते? नहीं नहीं बैठ सकते, कौन बना कर? हम सब किसान हैं, साधारण किसान हैं, और किसान सत्याग्रह आंदोलन ये चल रहा था, यहाँ 5 साल से चल रहा था भूमि अधिग्रहण को लेके। अब ये भूमि अधिग्रहण को नहीं है, अब ये कृषि कानून को लेके है। हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी जमीन गई वो तो गई, आने वाले समय में जो जमीन जाएगी उसका कुछ नहीं मिलेगा, वो तो ऐसी चली जाएगी फ्री में। तेवतिया जी, जो मोदी सरकार है और उनके जो नुमाइंदे हैं वो ये कहते हैं कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं ना किसान बॉर्डर पर दिल्ली के आसपास, ये सब जो है नकली किसान है। अभी तो वो जाना नकली, असली तो उनके पास कोई पैमाना होगा असली नकली का, हमारे पास कोई पैमाना है नहीं। वजह क्या है आंदोलन रास्ता भटक गया आप लोगों का, या फिर सरकार इतनी मजबूत है कि किसान कमजोर पड़ गए उसके सामने? हमारा कोई रास्ता नहीं भटका है, वो लोग वहाँ अपनी बात कह रहे हैं कि हम कानून वापस चाहते हैं, हम कह रहे हैं संशोधन कर दीजिए, सरकार ही कह रही है कि हम संशोधन करना चाहते हैं, तो वो संशोधन हम देना चाहते हैं उन्होंने। आप संशोधन पूछिए ना, नहीं, कि हम क्या चाहते हैं। तो किसान को फायदा हो रहा, किसान भी दो गुटों में बट गए, कुछ कह रहे हैं वापस करवाइए, उस पर जिद बढ़ गई, आप कह रहे हैं संशोधन कर लीजिए, तो सरकार को फायदा हो जाएगा इससे? तो सरकार को फायदा होगा जब सरकार संशोधन नहीं करेगी। सरकार संशोधन की भी झूठ बोल रही है, संशोधन भी नहीं करेगी ना। अगर संशोधन करने होते तो आके कोई बात करता, संशोधन क्या होंगे वो तो पूछेगी सरकार, या आप पूछे संशोधन क्या होना चाहिए? झूठ बोल रहे हैं वो, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर वो संशोधन चाहते हैं आप तीनों, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। संशोधन पहला तो एक बात बता देता हूँ आपको, वो लंबा प्रोसीजर है। जैसे सरकार ने किसान की परिभाषा दी है, किसान की परिभाषा में उन्होंने कहा है वो व्यक्ति, पर्सन को लिया है, वो व्यक्ति जो खेती कर रहा है या लेबर को हायर कर खेती करा रहा है, या और कोई कौन हो सकता है, या वो समिति, वो किसान है जो मालिक है उस जमीन का, जिसका रिकॉर्ड दर्ज है राजस्व में, वो कौन है फिर? सरकार बताए वो कौन है? सरकार ने किसान की परिभाषा बदलने की कोशिश क्यों की है या बदल क्यों दिया? ये भूमि अधिग्रहण में किसान वो है जिसके नाम सरकारी रिकॉर्ड में जमीन है, राजस्व संहिता में किसान वो है जिसके नाम सरकारी रिकॉर्ड में जमीन है, चकबंदी में किसान वो है जिसके नाम राजस्व रिकॉर्ड में जमीन है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो किसान क्यों नहीं रहा जिसके नाम जमीन है, वो कौन है फिर? उसका बताइए, हमें सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार ने कानून में किसान की परिभाषा को क्यों बदला, मकसद क्या फिर सरकार का इन कानूनों को? सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार की मंशा इस देश की आत्मा को मारने की है। अगर सरकार की मंशा ठीक होती, सरकार हमें सशक्तिकरण जो नाम दिया कानून को, अगर सशक्तिकरण करना चाहती है
तो ये लेके आए मंडी एक्ट। मंडी एक्ट में कहते हैं कि अभी हम प्राइवेट बायर्स को ले आए हैं आपके पास, और अब आप निर्यात भी करिए और कहीं भी बेचिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसान को कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता थी पहले से थी, खरीदने वाले को स्वतंत्रता नहीं थी। खरीदने वाले को पाबंदी थी क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था पहले से, आवश्यक वस्तु अधिनियम था, और मंडी समिति थी कि वो मंडी में ही जाकर खरीद सकता था। वो कहीं गांव में जाकर अगर खरीदारी करता तो एसडीएम उसे पकड़ लेता था कानून के उल्लंघन में। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने खरीददार को फ्री कर दिया कि अब आप कहीं भी जाकर खरीदिए, अब आप पे ना बाहर टैक्स लगेगा ना मंडी में टैक्स लगेगा। सरकार तो कह रही है ऑप्शन दे रहे हैं किसानों को, ग्लोबल मार्केट में ला रहे हैं किसान को, जो मेरी समय से। अब मेरी बात पूरी सुन लीजिए, अभी बताता हूँ ऑप्शन भी। ग्लोबल मार्केट में आदमी एक किलो टमाटर लेके जाएगा क्या? ग्लोबल मार्केट में कौन जाएगा? अभी ग्लोबल मार्केट के ये आए बिग बाजार वगैरह आए, तो क्या जो परचूने की दुकान वाला है वो बिग बाजार बन गया क्या? बन गया क्या बिग बाजार? नहीं बना ना। हम जो कहना चाहते हैं उसे समझिए, इन्होंने ये कानून ले आए तो किसानों को ये लगा के मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, जब मंडी में कोई बेचने खरीदने नहीं जाएगा तो मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, उनका ये ऐसा मानना है जो हमारे बॉर्डर बैठे हैं। लेकिन उसका समाधान है, उस कानून में एक संशोधन और कर दीजिए कि जिन 23 वस्तुओं की MSP सरकार निकालती है उनकी खरीदारी पूरी साल सरकार सुनिश्चित करे, यानी कि सरकार पूरी साल उन्हें खरीदे। खरीद की गारंटी हो? गारंटी नहीं कह रहे हैं हम, खरीदे। गारंटी क्या होती है, जैसे गेहूं का सीजन है तो उस समय गेहूं के कांटे लग जाते हैं, बाकी टाइम नहीं खरीदती है सरकार ना। तो पूरी साल खरीदे गेहूं, सरकार पूरी साल गेहूं खरीदने के लिए तैयार रहे, उसके अपने दुकानें हों या जो भी उनका सिस्टम हो वो लगाए रखे। किसान को अगर प्राइवेट मंडी में बेचना है तो प्राइवेट में जा बेचेगा, आपके MSP बेचना तो आपके यहाँ बेच देगा। कम से कम एक बात तो तय हो जाएगी कि किसान को ये पता रहेगा कि तेरा माल MSP पे सरकार खरीद लेगी। अगर सशक्तिकरण वाकई में करना चाहते हो तो MSP पे जब सरकार खरीदेगी तो जो प्राइवेट लोग आएंगे खरीदने के लिए वो निश्चित रूप से MSP से ज़्यादा खरीदेंगे, तो किसान को फायदा होगा। अब यदि सरकार हट गई बीच में से, सरकार ने खरीदना बंद कर दिया, तो जो प्राइवेट लोग आएंगे खरीदने के लिए वो क्या रेट देंगे, इसको कौन गारंट करेगा? मनमाने ढंग से खरीदेंगे। तो उन्हें मनमाने ढंग से रोकने के लिए उन पर कोई कानून नहीं ला दिए, बस तुम खरीदिए सरकार खरीदे बस। तो आप चाहते प्राइवेट सेक्टर में MSP होनी चाहिए? ना, बिल्कुल नहीं चाहते। प्राइवेट सेक्टर में MSP रहेगी तो प्राइवेट सेक्टर कहाँ रहेगा? प्राइवेट सेक्टर तो ऊंचा भी जा सकता है नीचा भी जा सकता है, उसे तो फ्री छोड़िए, जैसे बाजार चलता है बाजार पर छोड़िए। MSP पे सरकार खरीदे, सरकार MSP के लिए एंटाइटल है, उसका वचनबद्ध है। जो जिन चीजों पे MSP है अभी भी सरकार जिनकी खरीद, जैसे आपने कहा कांटा पूरे साल लगाना चाहिए, वो तो सीजन में भी नहीं खरीद पाती, यूपी के हालात आपको पता ही है। ये वो जाने फिर, इसका ये काम हमारा नहीं है, क्यों नहीं खरीद पाती, क्यों नहीं खरीदेगी, ये वो जाने सरकार, सारा काम हमारे थोड़ी है, कानून वो लेकर आए हम थोड़े लेकर आए, ये उन्हें तय करना है, उन्हें ये तय करना है कितने क्षेत्र में गेहूं बोएं, ये व्यवस्था करें फिर वो। देवेंद्र जी, आपको नहीं लग रहा सरकार के हाथ से बात निकल गई हो या फिर अब कुछ बचाई ना? कुछ नहीं निकला, सब ठीक है। सरकार जब चाहे जब बदल सकती है, जब चाहे जब संशोधन कर सकती है, ऐसा नहीं है कि इसे और ही लोग चला रहे हैं। ये जो हम गाली दे रहे हैं अडानी को अंबानी को, एक गलत विचारधारा को जन्म दे रहे हैं। और गलत विचारधारा क्या, कि मालिक के प्रति नौकर का गलत व्यवहार, गलत संदेश, गलत उसका इंटरप्रिटेशन। पहले नौकर, हम कहीं ना कहीं नौकर हैं किसी ना किसी के। अब अगर नौकर ये सोचने लगे कि ये इस हमारी कमाई पर ये करोड़पति हो रहा है तो फिर काम नहीं चलेगा। आज नौकर ये समझता है कि अगर 100 रुपये मालिक दे रहा है तो मैं 80 रुपये काम करूं। पहले नौकर ये सोचता था आज से 50 साल 40 साल पहले कि अगर मालिक 10 रुपये दे रहा है तो 20 का काम करूं। ये जो मानसिकता आई है, अधिकार पाने की इच्छा तो सबको है, कर्तव्य की इच्छा, कर्तव्य पूरा करने की इच्छा किसी के नहीं है,
जो कर्तव्य के प्रति जो आदमी भाग रहा है और अधिकार के पीछे जो लाठी ले रखी है, ये गलत बात है। लेकिन सर आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं उनका मकसद कोई और है। ये तो मैं नहीं कह सकता कोई और है या कोई नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उन्हें भी देश को बताना चाहिए कि इस देश में इस कानून में काला क्या है। वो आज तक ये नहीं बता पाए कि इनका काला क्या है। बस वो ये कहते हैं यस नो में बात करते हैं, तख्ती ले गए और यस नो में बात करी, ये नहीं सब बात। लेकिन सर आपने एक बड़े तरक्की की बात करी कि सरकार कांटा लगाए अपना हमेशा खरीदे जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर सरकार इसमें सहमत हो जाए, हो जाए तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी दिक्कत। जैसे दूसरी बात, किसान की परिभाषा क्यों बदली? किसान की परिभाषा ठीक करे सरकार, उससे होगा क्या? ये परिभाषा बदली है, पता है क्यों बदली है? इसके अगला पॉइंट में वो कहते हैं नोटिफिकेशन करेंगे। नोटिफिकेशन किसका करेंगे और कितने काम इसमें हैं? इसमें पिगरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, बहुत सारे काम हैं जो फूड से संबंधित हैं। सरकार ये कहती है नोटिफिकेशन पर्संस का होगा, नोटिफिकेशन जमीन का नहीं होगा, नोटिफिकेशन पर्संस का होगा। और पर्सन कितने तरह के हैं देश में? तीन तरह के पर्सन हैं, लाइव, डेड और कॉन्स्टिट्यूशनल। लाइव पर्सन हम और आप लोग हैं, डेड पर्सन हमारी संस्थाएं हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन तो जो संवैधानिक लोग हैं वो हैं ही हैं। तो के चैप्टर वन के सेक्शन में सरकार कहती है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार नोटिफिकेशन करेगी जिसकी भी वर्ष जैसी परिस्थिति होगी, और वो नोटिफिकेशन इन लोगों पर लागू होगा। वो आई सेक्शन में है, वो लोग कौन होंगे? फर्स्ट नंबर है उनमें एन इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल कौन है? वो फार्मर, वो किसान जो खेती कर रहा है। उसके बाद कंपनी, सोसाइटी, समिति और जो भी संस्थाएं हैं। तो सर ये जो किसान नेता हैं बॉर्डर पर जो बैठे हैं, आपकी इनसे कभी वार्ता हुई? पहले मैं इस बात को पूरी कर दूं ना, अभी बताऊंगा उसको। तो नोटिफिकेशन किसका हुआ? पर्संस का। भूमि अधिग्रहण में नोटिफिकेशन किसका होता है? जमीन का। चकबंदी में नोटिफिकेशन किसका होता है? जमीन का। राजस्व परिषद में नोटिफिकेशन किसका होता है? जमीन का। पहला कानून है जिसमें पर्सन का नोटिफिकेशन होगा, यानी कि जो लैंड ओनर है, जो किसान की परिभाषा बदली हो, बदली इसलिए है ताकि लैंड ओनर को ढूंढना ना पड़े इस जमीन का लैंड ओनर कौन है। जो पटवारी रिपोर्ट दे दे, नोटिफिकेशन हो जाएगा और पटवारी रिपोर्ट दे देगा ये आदमी किसान है जो खेती कर रहा है, तो वो उस जमीन का एग्रीमेंट कर देगा, चाहे मालिक उसका मैं हूँ चाहे आप हूँ। ये भी खतरा है? ये खतरा नहीं तो है ही, ये तो कानून में लिखा है, नोट खतरा। अगर कानून लागू हुआ तो ऐसा ही होगा। ये इसलिए मेरे अब जो क्वेश्चन किया आपने, जो कि उन किसानों ने क्यों नहीं कही ये बात, ये उनको ये बात समझानी चाहिए थी पूरे देश के किसान को, उन्होंने ये बात नहीं समझाई, जिसकी वजह से आंदोलन कमजोर पड़ता जा रहा है और हर कीमत पे। मैं उनकी इस बात को भी गलत मानता हूँ कि वो वापसी की जिद पर हैं, उन्हें संशोधन की बात भी करनी चाहिए थी। सर जैसी बात आप कर रहे हैं ऐसी बात सरदार बीएम सिंह करते थे, उन्हें आंदोलन छोड़ना पड़ा। वो एमएसपी की गारंटी की बात करते थे केवल, और कोई बात उन्होंने नहीं की कभी। उन्होंने किसानी परिभाषा कोई बात की नहीं, बात नहीं, पर वो कहते खरीद की गारंटी मिल जाए तो हम केवल एक बात की बात नहीं कर रहे हैं, हम सब बात कर रहे हैं, पूरे कानून की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमएसपी गारंटी हो, और ये लोग पहले एमएसपी की गारंटी को मना करते थे सब। अगर एमएसपी गारंटी हो गई, एमएसपी मैंडेटरी हो गया, गारंटी तो छोड़ दीजिए, एमएसपी गारंटी की नहीं कहते थे, मैंडेटरी कहते थे। अगर एमएसपी मैंडेटरी हो गया तो क्रेशर कैसे चलेंगे ये? और खेत में क्या एक जैसा अनाज पैदा होता है? खेत में अच्छा बुरा कहीं बेकार कहीं वैसा भी, तो कैटेगरी नहीं बनेगी क्या? अगर कैटेगरी बनी तो किसान का अनाज के फर्स्ट कैटेगरी में बिकेगा कभी क्या? आज तो किसान का कैसा ही भी अनाज हो फर्स्ट एक कैटेगरी में बिकता है, एमएसपी पे बिक जाता है अगर सरकार लेती है तो, या और कोई लेता है तो वो भी उसी, चाहे मंदा ले चाहे तेज ले, लेगा एक एक रेट में, तब कैटेगरी नहीं बनेगी क्या? हमने गंभीरता से, हमारे किसान नेताओं ने कभी समस्याओं पर विचार नहीं किया। सर आप अगर बात करें सरकार से, मुझे लगता है रास्ता निकल जाएगा। बिल्कुल, हम रास्ते के लिए बैठे हैं, हम किसान का हित भी चाहते हैं और देश का हित भी चाहते हैं। हम केवल किसान ही देश नहीं है, हर व्यक्ति इस देश का उतना ही सम्मानित है जितना किसान सम्मानित है। किसान को भगवान नहीं है। सर आपने इतना बड़ा आंदोलन करा पट्टा पास, इतना बड़ा नाम है आपका, आप पीछे कैसे रह गए आप इस आंदोलन? उन लोगों से हमारी बात नहीं थी, अब हमने देखा कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, देश इस बात पे फंस गया है,
तो ये सरकारें ऐसे तो बुलाती नहीं किसी को, बात करती नहीं किसी से, तो एक आंदोलन रास्ता होता है अपना। तब हमने ये आंदोलन शुरू किया, बहुत सोच समझ के, उनको देखने के बाद कि शायद सरकार उनके साथ कोई फैसला कर देगी तो सबके लिए मंजूर हो जाएगा। अब वो नहीं कर पा रही हैं तो हम रास्ता निकालना चाहते हैं कि रास्ता निकले और ये आंदोलन ख़त्म हो, सब किसान अपने घर जाएँ और अपना अपना काम करें। सर आपकी बात से लग रहा है कि ये संयुक्त मोर्चा के 40 नेता ये रास्ता निकालना नहीं चाह रहे। 40 नेता रास्ते की तो बात छोड़िए, 40 नेता अपना एक नेता ही चुन लें पहले। हाँ उनमें भी खटास है। ये 40 नेता ये चुन लें कि हमारा नेता ये है, बस ये बात करेगा। इन 40 नेताओं में आपस में भी किसी पे विश्वास नहीं है, और जहाँ परिवार में विश्वास ना हो वहाँ कोई तरक्की नहीं हो सकती, कोई फैसला नहीं हो सकता।